Hello kids, good morning. Welcome in your EVS class. And today we are doing a new chapter, chapter number 8, Festival Gallo. So let's start. हमारे chapter का नाम है Festival Gallo. Festival, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो आज हम इस chapter में read करेंगे festival के बारे में कि हमारे इंडिया में कौन कौन से festival मनाए जाते हैं. So let's start. फर्स्ट टॉपिक है हमारा फेस्टिवल इन इंडिया कि इंडिया में कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, मनाए जाते हैं. शुरू कीजिए. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस. इंडिया है वो हमारी लैंड है मैनी रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस की कि यहाँ पे बहुत सारे धर्म और बहुत सारी जो लैंग्वेजेस बोलते हैं वो लोग रहते हैं. इट इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल. सो इंडिया को हम लैंड ऑफ फेस्टिवल भी बुलाते हैं. मैनी फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री थ्रू आउट द ईयर कि हमारी कंट्री में पूरा ईयर थ्रू आउट द ईयर बहुत सारे फेस्टिवल जो हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं. दीज इंक्लूड्स नेशनल फेस्टिवल. और वो जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं वो टू टाइप्स के हैं. फर्स्ट है नेशनल फेस्टिवल एंड सेकेंड इज रिलीजियस फेस्टिवल. नेशनल फेस्टिवल में हमारे कौन कौन से फेस्टिवल आते हैं जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ये हमारे नेशनल फेस्टिवल बुलाते हैं इन फेस्टिवल्स को जो कि पूरा नेशन जो है वो इनको एक साथ सेलिब्रेट करता है. और सेकंड टाइप जो है हमारा वो है रिलीजियस फेस्टिवल. रिलीजियस मीन्स कि जो हमारे धर्म से रिलेटेड है, हमारे जो रिलीजन है उससे जो रिलेटेड फेस्टिवल है उनको हम रिलीजियस फेस्टिवल बुलाते हैं. लाइक होली है, दिवाली है, ईद है. ओके तो आज हम पढ़ेंगे नेशनल फेस्टिवल और रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में. तो सबसे हमारा पहला टॉपिक है, हम शुरू करते हैं रिलीजियस फेस्टिवल से. रिलीजियस फेस्टिवल में फर्स्ट है हमारा दिवाली. दिवाली और दीपावली जिसको कि दीपावली भी बोलते हैं इज अ मेजर फेस्टिवल ऑफ हिंदूज. जो दिवाली है वो हिंदुओं का एक मेन फेस्टिवल है, मेजर फेस्टिवल ऑफ हिंदूज. हिंदुओं का मेन फेस्टिवल है, मेन त्योहार है. ऑन दिस डे लॉर्ड रामा रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर लिविंग फॉर 14 इयर्स इन फॉरेस्ट. इस डे पे क्या हुआ था कि जो लॉर्ड रामा है वो 14 इयर्स फॉरेस्ट में रहने के बाद वापिस अयोध्या आए थे. तो उनके वेलकम के लिए लोगों ने क्या किया था, पीपल लाइट लैम्प कैंडल्स एंड दियाज एवरीवेयर ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली. तो उनके वेलकम में पीपल लाइट लैम्प कैंडल्स एंड दियाज, लोगों ने कैंडल्स जलाई थी, दिए जलाए थे उनके वेलकम के लिए. तो जो ये डे है इसको हम दिवाली के रूप में सेलिब्रेट करते हैं जिस दिन वो वापिस अयोध्या आए थे. और अब क्या है, दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए लोग क्या करते हैं, लाइट लैंप जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं और दिया जलाते हैं. इट इज देयर फॉर ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. तो इसीलिए जो दिवाली है इसको हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी बोलते हैं. ठीक है, क्यों बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, क्योंकि ये लाइट्स का त्योहार है. इस दिन लाइटें ही लाइटें होती हैं हर तरफ. तो इसीलिए दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी बोला जाता है. पीपल विश ईच अदर एंड ऑल्सो एक्सचेंज स्वीट्स एंड गिफ्ट्स. जो पीपल हैं वो एक दूसरे को विश करते हैं और स्वीट्स एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ. लॉर्ड गणेशा एंड गॉडेस लक्ष्मी आर वर्शिप्ड ऑन दिवाली. और दिवाली पे हम लॉर्ड गणेशा और जो गॉडेस लक्ष्मी है उनकी पूजा करते हैं. इट इज बिलीव दैट वन मस्ट क्लीन देयर हाउसेज प्रॉपरली ऑन दिवाली. और ये बिलीव किया जाता है कि सभी को दिवाली पे अपना हाउस क्लीन करना चाहिए अच्छे से. So that goddess Lakshmi enters our homes to bless us. जिससे कि जो goddess Lakshmi है वो हमारे घर में आए और हमें bless करें. तो students ये था हमारा दिवाली जो कि हिंदुओं का एक main festival है. और दिवाली को हम festival of light भी बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि दिवाली के दिन लोग क्या करते हैं, people light lamp candle and diyas. तो इसीलिए इसको festival of lights भी बोला जाता है. तो जो नेक्स्ट हमारा फेस्टिवल है रिलीजियस फेस्टिवल में वो है होली. होली इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. होली को हम क्या बोलते हैं, कौन सा त्योहार, फेस्टिवल ऑफ कलर्स मीन्स की कलर्स का त्योहार, रंगों का त्योहार. ठीक है, इट मार्क्स द अराइवल ऑफ स्प्रिंग एंड एंड ऑफ विंटर. जो होली है वो
किस चीज को शो करता है होली का फेस्टिवल? अराइवल ऑफ स्प्रिंग, कि स्प्रिंग का अराइवल, ठीक है, स्प्रिंग आ रही है, स्प्रिंग का आना, बसंत का आना, एंड एंड ऑफ विंटर, और विंटर का जाना, विंटर का खत्म होना इसकी, ठीक है। पीपल पुट कलर्स एंड थ्रो वाटर ऑन ईच अदर टू सेलिब्रेट होली। जो पीपल है लोग वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर कलर्स एंड वाटर थ्रो करते हैं। एवरी वन सिंग्स एंड डांसेज ऑन दिस फेस्टिवल, इस फेस्टिवल पे हर कोई डांस करता है और गाने गाता है। सिंग स्पेशल स्वीट्स लाइक गुजिया आर प्रिपेयर्ड एंड ईटन। जो होली पे, होली पे क्या है, एक स्वीट है स्पेशल जिसको गुजिया बोलते हैं, गुजिया आर प्रिपेयर्ड, गुजिया बनाई जाती है एंड ईटन, और उसको खाया जाता है। इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस, होली जो है वो एक खुशियों का त्यौहार है। वी मस्ट प्ले होली विद हर्बल कलर्स एंड मेक श्योर दैट इज डज नॉट एंटर एनीवन्स आईज नोज और माउथ एज इट कैन बी डेंजरस, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है कि जो हमें होली खेलनी चाहिए, हर्बल कलर के साथ होली खेलनी चाहिए, एंड मेक श्योर, और हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो कलर है वो किसी के आईज में, किसी की नोज में, या फिर किसी के माउथ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है। वी शुड ऑलवेज प्ले सेफ एंड हार्मलेस होली। तो हमें क्या करना है, वी शुड प्ले सेफ एंड हार्मलेस होली, मीन्स कि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हम होली खेलें वो सेफ एंड हार्मलेस हो, मीन्स कि सुरक्षित हो और जिससे किसी का कोई हार्म ना हो, ठीक है। द राइट वे टू प्ले होली, आपकी बुक में पिक्चर दे रखी है दो, कि जो होली खेलने का कौन सा जो वे है वो राइट है और कौन सा रॉन्ग है। ये देखिए यहाँ पे क्रॉस है कि ये वाली जो होली है वो हमें क्रॉस है, इस पर ऐसी नहीं खेलनी है, और इस पर टिक है, ये जो है ये राइट वे है होली खेलने का। ओके सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टूडे। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।